नमस्कार मित्रों, काउंटिंग चल रही है। ये जो अंतिम रात थी बीत चुकी है, जो बहुत भारी गुजरी है। जितनी भी मेहनत की घड़ियां थी वो बीत चुकी हैं। अब ये परीक्षा का परिणाम आना है और आपके रायबरेली का हाल मैं बताना चाहूँगा। रायबरेली में भी कई राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और अभी भी काउंटिंग चल रही है। फिलहाल रुझानों की बात करें, अगर ये तब्दील होते हैं परिणाम में, तो उस हिसाब से पूरे रायबरेली के अंदर सपा जो है थोड़ा सा हावी नजर आ रही है और भाजपा भी कुछ सीटें जीत रही है। 2-3 सीटें भाजपा जीत रही है और लगभग 4 सीटें जो है आपकी जीत रही है सपा यहाँ से। तो एक एक कर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हरचंदपुर विधानसभा की बात करूँ तो हरचंदपुर विधानसभा से राहुल लोधी सपा प्रत्याशी हैं, जो कि इस वक्त 2,336 वोट से आगे चल रहे हैं। हो सकता है आप वीडियो देखें तो वो उससे ज्यादा आगे हो जाएं या फिर पीछे हो जाएं, वर्तमान की मैं बात बता रहा हूं। और बछरावा विधानसभा से भी सपा प्रत्याशी श्याम सुंदर भारती 2,372 वोटों से आगे चल रहे हैं। सदर विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी, जो कांग्रेस से होकर के आई हैं, भाजपा की प्रत्याशी हैं अदिति सिंह, वो भी उनके भी जीतने के आसार हैं और अभी तक के काउंटिंग के हिसाब से अच्छा खासा मार्जिन है, जो कि लगभग 5,000 पहुंचने वाला है। ऊंचाहार विधानसभा से सपा प्रत्याशी मनोज पांडे जीतते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने वहां बहुत मेहनत भी की और मनोज पांडे लगभग 9,000 वोटों का इनका मार्जिन पहुंचने वाला है। और मैं बात करूं सलोन विधानसभा की, तो सलोन विधानसभा से भी सपा आपकी आगे जा रही है और लगभग 4,000 मार्जिन पहुंचने वाला है। और आखिरी में सरेनी विधानसभा की अगर बात करें, यहां भी आपने देखा आखिरी समय तक किस हिसाब से समीकरण बदले हैं और उसके बाद भी भाजपा से धीरेन्द्र बहादुर सिंह ठीक ठाक मार्जिन से, जो कि 4,000 के ऊपर का मार्जिन हो सकता है हो गया हो, वहां से भाजपा के धीरेन्द्र बहादुर सिंह आगे चल रहे हैं। जैसे भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले हम बताएंगे हिंदी और हिंदुस्तान पर, और जो प्रत्याशी जहां से जीतता है संपर्क करेंगे। धन्यवाद।